चाची थोड़ी है, आनी चाहिए संख्या में, ये जागरूकता भी हमें लेके आनी है। अब आ जाइए, 25 तारीख को वोटिंग है, कांग्रेस के पास वोट के धड़े हैं ग्राम गांवों में, मानते ना भी, बीजेपी के पास शहरों वाले वोट हैं, कांग्रेस के पास धड़े हैं वोटों के। कांग्रेस के लिए अगर सबसे बड़ा चैलेंज है तो वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो कांग्रेस पार्टी फेस करती है हमेशा। लेकिन इस बार जिस तरीके से युवा शक्ति आगे आई है, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारा कोई भी वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचने से नहीं रह सकता। ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, आपको, मुझे नहीं पता कि आपको अभी माहौल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको पता है कि मोदी जी क्या गेम खेल रहे हैं? पूगल के अंदर जियो का नेटवर्क इतना अच्छा होता है, लेकिन 50 मीटर बाहर निकलते रेंज गए। ये प्रॉब्लम, अभी ये जो परेशानी है, एक तारीख से हम झेल रहे हैं, मीटिंगें नहीं ढंग से कर पा रहे, किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे, कार्यकर्ता फोन करते हैं वापस फोन नहीं कर पा रहे। तो ये उन्होंने अब की बारी तरीका अपनाया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रचार रोका जाए, फिर ऊपर से ले आए निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग की ड्यूटी है, मैं मानती हूँ, लेकिन आज तक क्या निर्वाचन आयोग इतना सक्रिय रहा इस क्षेत्र में? आपने देखा, आपने तो बहुत सारे चुनाव कराए हैं और चुनाव के इतने सारे लगा दिए कि आम जनता, अगर किसी आम जनता की किसी एक पब्लिक की अगर कोई गाड़ी है, किसी भी व्यक्ति की गाड़ी है, अगर उसके ऊपर गोविंद जी का पोस्टर लगा हुआ है तो उस पर पानी ढोल ढोल के उसको साफ करने लग जाते हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि बीजेपी वाले डर गए, बीजेपी वालों को पता लग गया कि कांग्रेस सरकार वापस आ रही है। आपको ये पता होना चाहिए, कल रात को हम डिस्कस कर रहे थे गाड़ी में, कोई आज का सट्टा क्या हुआ, सट्टा बाजार बड़ा गर्म रहता है ना चुनाव के टाइम में। जो कर्मचारियों की वोटिंग हुई है दो दिन पहले, जो सरकारी कर्मचारी जितने भी है, उन्होंने 95% कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की है। सारे सट्टे बीजेपी को गिना रहे थे, लेकिन कल सारे सट्टों के पास वो बिजली गुल हो गई, वो सब चुप है, सब ठप हो चुके हैं। ये आप पता कर लेना कहीं पे भी अपना कोई जानकार बैठा है तो। आज की तारीख में सट्टा बाजार बंद है, क्योंकि इतिहास में पहली बार हुआ है कि सट्टा बाजार कंफ्यूजन हो गया कि जब हम बीजेपी को जिता रहे हैं तो कांग्रेस वाले कैसे हावी हम पे हो रहे हैं। ये संदेश आपने दिया है। अब की बार कांग्रेस सरकार, आम जनता का मन बना हुआ है, क्योंकि देखिए जैसे अमीन शाह अंकल ने बोला, ये मेरे अंकल है, क्योंकि इन्होंने मेरा बचपन भी देखा है, पापा जी के पुराने दोस्त है, इन्होंने सही बोला, अगर हमारा भला करेगी कांग्रेस करेगी, हमें विकास देगी कांग्रेस देगी। अब ये आप पे निर्भर है कि सही और गलत में आप फर्क कैसे करते हैं। एक तरफ है वो इंसान जिसको आपने 10 साल पहले दिए, जिसने इस क्षेत्र को खंडर बना दिया, इस क्षेत्र में बड़े बड़े खड्डे खोद दिए, उसने इस क्षेत्र को सत्यानाश करने में कोई कमी नहीं रखी। और दूसरी तरफ है, मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरे पिताजी, जिन्होंने कोरोना के बावजूद 2 साल के अंदर आपको इतने विकास कार्य दिए, आपको इतने बड़े बड़े काम दिए, एक विकास का ढांचा लाके हमने खड़ा कर दिया। जिस तरीके से घर बनाते हैं, पहले नींव डालते हैं, फिर दीवार लगाते हैं, फिर छत बनाते हैं, तो अभी तक हमने नींव डाली है, दीवार खड़ी की है और छत बनाई है। अब उस घर का रंग रोगन, उसके अंदर जो सुख सुविधाएं है वो बाकी पड़ी है। इसीलिए इस मंच के माध्यम से मैं आपसे अपील करती हूँ कि दोबारा से पापा जी को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजिए, ताकि जो हमने ये घर का ढांचा खड़ा किया है इसमें हम सुख सुविधाएं करके इसको सुंदर बना सके। आप जब भी वोटिंग करके जाए, देखिए आपको एक बात बताती हूँ, आप अगर ये सोचे कि हम नेता को चुनाव हरा रहे हैं, नेता जब चुनाव हारता है उसके सिर्फ पैसे का घाटा होता है, पैसे का घाटा होता है, लेकिन 5 साल कौन भुगतता है? आप भुगतोगे। 5 साल जो परेशानियों को झेलता है वो आम पब्लिक झेलती है। इसीलिए किसी भी जल्दबाजी में
हमें फैसला नहीं करना है, हमें कोई चूक नहीं करनी। आपको मैं कहना चाहती हूँ, मैं आपको चेताना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, अगर आप चूक गए और अगर वापस उसी इंसान को ले आए जिसने हमें खंडर बना के दिया था, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले 100 सालों में कोई नेता आपके लिए विकास का काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर हमारी पब्लिक ये पेश करती है कि हमें विकास वाले नेता की जरूरत नहीं है, तो हमारा क्षेत्र का जो भविष्य है वो अंधकार में है। जब भी आप वोटिंग करने जाए, आप अपने बच्चों के चेहरे को देखिए, क्योंकि अगर 5 साल आपने खराब कर दिए, इसका मतलब कि हम 15 साल पीछे हो। इसलिए 5-5 साल करते इसको आप इस परंपरा को तोड़ो, इस परंपरा को हमें तोड़ना है और कांग्रेस सरकार को रिपीट करना है और पापा जी को यहाँ से जिता के विधानसभा में 50,000 की लीड देके आपको भेजना है। 25 तारीख को वोटिंग है, गड़बड़ी होने के भी पूरे चांस है। बूथ संभालने वाले आप हो, नीचे लोकल पहरेदारी आपको करनी है, किसी भी बूथ में गड़बड़ नहीं होने चाहिए। हमारे वोटर अगर कहीं बैठे उनको बुलाइए, कोई बाहर बैठे उनको भी बुलाइए, उनको आप जागरूक कीजिए कि वोट की कीमत को समझो। वोट को आप आम चीज से समझ के मत फेंकिए, क्योंकि इस पे आपके बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। आज युवा पीढ़ी जितनी खड़ी है, ये क्यों हमसे कनेक्ट हो रही है, इनका एक ही कारण है कि अगर विकास होगा तो हमारी पीढ़ियों के लिए होगा। बुजुर्ग जितने बैठे हैं, हो सकता आपने आज भी आपको इन विकास कार्य उसका फायदा नहीं मिले, पर ये दावे के साथ मैं कह रही हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ इस विकास कार्य का सुख भोगेगी और उस समय वो हमें याद करेगी। तो 25 तारीख का खास तौर पे ध्यान रखना है। 4 दिन बचे, 4th दिन तो वोटिंग है हमारे लिए। 3 दिन नींद खराब करिए, दिन रात जाके ढाणी ढाणी टच करके अपने रिश्तेदार भाई बंधु कहीं पे भी बैठे फोन से संपर्क करिए, कहीं जा सकते तो आप जाइए। गाड़ियों की व्यवस्था आपके लिए सबके लिए की है, लोगों ने अपने हिसाब से भी की है। कोई भी वोट हमारा पोलिंग पे पहुंचने से रुकना नहीं चाहिए। तो अब की बार कांग्रेस सरकार वोट विकास को। बहुत बहुत धन्यवाद।